हेलो एवरीवन, और लीनियर अलजेब्रा के आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन, इसके अलावा लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा के। और इसके साथ ही उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हम आज देखने वाले हैं। और मेरे पहले लेक्चर्स की तरह ही इस लेक्चर के नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां से कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करें तो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि लेट Vf बी अ वेक्टर स्पेस। तो हमने Vf को वेक्टर स्पेस मान लिया है यहाँ पर, इसका मतलब V एक वेक्टर का सेट है और ओवर द फील्ड F एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। साथ ही ये V के कुछ एलिमेंट्स हमने लिए हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। तो एक वेक्टर अल्फा जो कि इस फॉर्म में a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू an अल्फा n, जहां पर आपके a1 a2 a3 an ये सब आपके हैं स्केलर्स यानी कि फील्ड के एलिमेंट्स। तो जो ये जो स्टेटमेंट है यानी कि ये वेक्टर अल्फा जो कि स्केलर और वेक्टर्स के प्रोडक्ट के सम के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि इस तरीके से सिग्मा ए आई अल्फा आई वेयर आई बराबर 1 to n, तो ये आपका कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, इन n वेक्टर्स का, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n। तो इन n वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ये अल्फा। इसी के साथ लीनियर स्पैन क्या होता है, तो लीनियर स्पैन के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस लिया Vf ओवर द फील्ड F और उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया V का S, S इज द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। तो S के फाइनाइट एलिमेंट्स के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो उन सबको जिस सेट में आप कंटेन करेंगे वो सेट होता है हमारा लीनियर स्पैन, जिसको डिनोट करते हैं LS से। मैथमेटिकली देखा जाए तो LS में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होंगे, जहां पर आपके जितने भी अल्फा आईज हैं ये सब बिलोंग करेंगे S में यानी कि वेक्टर्स होंगे, और जितने भी ए आईज हैं ये बिलोंग करेंगे फील्ड में यानी कि आपके स्केलर्स हैं। तो ये जो सेट बनेगा ये कहलाएगा लीनियर स्पैन ऑफ S। तो अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट थ्योरम है लीनियर स्पैन की, जो कहती है कि द लीनियर स्पैन LS ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस Vf इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार रिपीट होती है, मतलब कुछ जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, ये उनमें से एक है जो कई बार आपके आती है। देखिए ये क्यों है ऐसे, क्योंकि इस एक थ्योरम में ही आपको तीन चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट कि LS containing S, यानी कि S is subset of LS, यानी कि हर सेट सबसेट S अपने लीनियर स्पैन का सबसेट होगा। सेकेंड थिंग, स्मॉलेस्ट ये इज सबस्पेस ऑफ V, यानी कि LS is सबस्पेस ऑफ Vf, यानी कि ये वेक्टर स्पेस Vf का एक सबस्पेस होगा ओवर द सेम फील्ड F। एंड थर्ड थिंग, L इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S, यानी कि S जो है सबसेट तो है LS का, या फिर LS कहें कि वो LS जो है S का सुपरसेट है, लेकिन S और LS के बीच में कोई और हमें सपोज W नहीं मिलना चाहिए, जो इस तरीके से मतलब कोई हमें दूसरा सबसेट V का ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो S को भी कंटेन करता हो और फिर वो खुद LS के अंदर हो, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, यानी कि S और LS के बीच में कोई दूसरा सबसेट ना हो जो S को कंटेन करता हो। तो देखते हैं हमें कैसे प्रूव होती है, ये शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लीनियर स्पैन की डेफिनेशन होती है कि लीनियर स्पैन अपने अंदर S के फाइनाइट एलिमेंट्स का, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन कंटेन करता है, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हमारी LS की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है, जहां पर जितने भी ए आईज हैं ये सब स्केलर्स हैं और जो अल्फाइज हैं वो सब वेक्टर्स हैं जो कि एस में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम लेट करते हैं, लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस, अल्फा कोई आर्बिट्रेरी मेंबर है एस का, तो अल्फा को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 into अल्फा ना। अब 1 तो भाई बिलोंग कर रहा है फील्ड में, 1 बिलोंग्स टू फील्ड, तो इसका मतलब 1 into alpha कहां चला गया, linear span में। क्यों, क्योंकि भाई ये एक finite number of elements का एक linear combination ही तो है।
अब जो बात इस आर्बिट्री अल्फा के लिए वो एस के हर वेक्टर के लिए ट्रू होगी, तो इसका मतलब एस का प्रत्येक एलिमेंट आपको एल एस के अंदर मिल सकता है, यानी कि एस इज द सबसेट ऑफ एल एस। पहली चीज हमने प्रूव कर दी। अब दूसरी चीज कि एल एस इज द लीनियर, एल एस इज द सबस्पेस, एल एस इज द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। तो अब देखते हैं सबस्पेस कैसे प्रूव करता है एल एस को। अब एल एस को सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, इसके दो एलिमेंट लिए अल्फा और बीटा जो कि एल एस में बिलोंग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है लीनियर एल एस लीनियर स्पैन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लीनियर कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में है, तो अल्फा भी एस के कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन होगा और बीटा भी। तो अल्फा हमने मान लिया कि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन कुछ एन फाइनाइट एन एलिमेंट्स हैं एस के, उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। वही बीटा बीटा वन बीटा टू अप टू बीटा एम, एम फाइनाइट एलिमेंट्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, जहां पर आपके a1, a2, a3, an, b1, b2, b3, bn क्या है, स्केलर्स हैं, फील्ड के मेंबर हैं। नाउ जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर हमें किसी सबसेट को वेक्टर स्पेस के किसी सबसेट को ओवर द सेम फील्ड आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, यानी सबस्पेस प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मैं मान लिया डब्ल्यू सबसेट है वेक्टर स्पेस vf का, तो हम डब्ल्यू के दो एलिमेंट उठाते थे और उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन भी डब्ल्यू में बिलोंग करवा देते थे। ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो पिछले लेक्चर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं कैसे करा था हमने। तो इसी चीज का यूज हम यहां करेंगे क्योंकि दो एलिमेंट तो अभी हमारे पास है ना, अल्फा वन अल्फा और बीटा, और एन एलिमेंट्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, ये एन एस के एन एलिमेंट्स हैं, और बीटा वन बीटा टू बीटा ये एस के ही दूसरे एम एलिमेंट्स हैं। तो ये देखते हैं कैसे करते हैं, हम यहां पर दो एलिमेंट लेते हैं कि लेट A, B belongs to F, दो अलग स्केलर्स लेते हैं। Now, A alpha plus B beta, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया हमने। अगर यहां से जो रिजल्टिंग वेक्टर मिलेगा, उसको भी हमने LS में ही इन्वॉल्व कर, LS में ही भेज दिया कि वो जो बंदा बनेगा यहां से जो मेंबर बनेगा वेक्टर बनेगा, वो भी अगर इसी सेट का बंदा होगा, इसी सेट का मेंबर होगा, तो ये सबस्पेस प्रूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, ए वन एल्फा वन प्लस ए टू एल्फा टू प्लस अप टू ए एन एल्फा, इसी तरीके से प्लस बी बी वन बीटा वन प्लस बी टू बीटा टू प्लस सर जगह नहीं तो डैश लगा देते हैं बी एम बीटा एम, सिंपल इसको अंदर भेज देते हैं। तो ये क्या हो गया, ए वन एल्फा वन प्लस ए ए टू एल्फा टू अप टू ए एन एल्फा एन प्लस बी बी वन बीटा वन प्लस बी बी टू बीटा टू और अप टू बी बी एन बीटा एन। अब देखो ए मेंबर है एफ का, ए वन मेंबर है एफ का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एफ में जाएगा, यानी कि एक स्केलर बनेगा। सपोज करो इसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए वन, क्योंकि एफ जो है हमारा फील्ड है, और मुझे पता है फील्ड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में क्या होता है, क्लोज होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है। तो ये जो मेंबर बना ए वन, ये भी फील्ड का मेंबर हुआ, इसी तरीके से ये बन जाएगा ए टू, ये भी फील्ड का मेंबर हुआ, इसी तरीके से ये बन गया ए एन, ये भी फील्ड का मेंबर हुआ। सेम यहां पर कैपिटल बी वन मान लेते हैं इसको बीटा वन, ये भी फील्ड का मेंबर, कैपिटल बी टू ये भी फील्ड का मेंबर, और इसी तरीके से कैपिटल बी एम बीटा ये भी फील्ड का मेंबर। तो यानी कि जितने भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में लग रहे हैं वो सब फील्ड के चले गए स्केलर, पहली कंडीशन होल्ड हो गई एलएस की। दूसरी चीज अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन एन वेक्टर्स ये एम वेक्टर्स ये एम शुरू वाले एन वेक्टर भी एस के एलिमेंट है, बाद वाले एम वेक्टर भी एस के एलिमेंट है, यानी कि एन प्लस एम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए एस के। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया एस के वेक्टर्स का। तो ये कहां जाएगा, लीनियर स्पैन एलएस में, यानी कि ये पूरे का पूरा एलिमेंट बिलोंग कर गया एलएस में। यानी कि हम अल्फा लग लेके चले थे बीटा लग लेके चले थे, उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया ए अल्फा प्लस बी बीटा करके, वो चला गया एलएस में। तो यानी कि एलएस इज द सबस्पेस ऑफ वी, दूसरी कंडीशन भी हमने होल्ड कर दी। अब देखते हैं इसकी तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या कि एलएस इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस, यानी कि एलएस जो है वो सबसे छोटा सबस्पेस है जिसमें एस कंटेन हो रहा है, यानी कि एस और एलएस के बीच में कोई नहीं आ रहा। कितनी अच्छी बात है यहां पे थ्योरम में,
अब इसको प्रूव करते हैं, इतनी जगह बहुत हमारे लिए। देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ वी एफ सच दैट S W कंटेन S, यानी S जो है वो W का एक सबसेट है। अब देखते हैं इसको किस तरीके से हम आगे करते हैं। अब बस हमें किसी भी तरह ये प्रूव करना है कि W जो है वो S और LS के बीच में नहीं है, ठीक। तो देखिए नाउ लेट, तो अब हम ये मान लेते हैं कि अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन जितने भी मेंबर्स हैं ये सब S के मेंबर्स हैं, यानी कि सब S में बिलोंग कर रहे हैं। और W जो है एक सबस्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस VF का। तो पिछले लेक्चर्स की बात अगर माने जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है अब तक, तो उसके हिसाब से भाई इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा स्केलर्स के साथ वो W में बिलोंग करेगा, यानी कि ए अल्फा वन प्लस ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस अप टू ए एन अल्फा एन, ये बिलोंग करेगा W में, बिकॉज W इज द सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अब भाई अगर ये और ये किसका एलिमेंट है, जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा कि ये एलिमेंट है LS का, तो ये कुछ n आर्बिट्रेरी थे, तो S का हर वेक्टर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी कि इसी तरीके से LS के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब कहां चले जाएंगे, W में, यानी कि LS इज द सबसेट ऑफ W, ठीक। और सबसे पहले पार्ट में ये प्रूव कर चुके S इज द सबसेट ऑफ LS इज द सबसेट ऑफ W, यानी कि अगर आप कोई सबस्पेस लेते भी हैं V का जो S को कंटेन कर रहा हो, तो वो सबस्पेस LS को भी कंटेन करेगा, वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, वो इन दोनों के बाद ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से। और बाकी इसका जो प्रूफ मैंने काफी सिस्टम मतलब बहुत ही छोटे तरीके से आपको तो समझाने के लिए किया, अगर आपको उसका डिटेल आपको प्रूफ देखना है तो आप सीधे इसके नोट्स मेरे साथ ले सकते हैं, काफी अच्छा उसको उसमें प्रूफ आपको इसका मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी अगली थ्योरम। अब देखिए इसकी सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कह लीजिए, थ्योरम कह लीजिए, कहती है कि इफ एस एंड टी आर टू सबसेट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, कि एस और टी वेक्टर स्पेस VF के दो नॉन एम्प्टी सबसेट हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एस टी का सबसेट है तो एल एस भी एल टी का सबसेट होगा, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि लीनियर स्पैन ऑफ एल एस इज इक्वल्स टू एल एस, यानी कि आप अगर एक बार लीनियर स्पैन बना लेते फिर आप उसका भी अगर लीनियर स्पैन बनाएंगे तो वो सेट आपको वापस मिल जाएगा। तो आइए प्रूव करते हैं, इसे देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी उठाते हैं, तो पहली प्रॉपर्टी में हमें दिया हुआ है कि S इज अ सबसेट ऑफ T, तो हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू। अब देखिए हमने अल्फा को एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिया है, तो इतना तो अब तक हम सीख चुके हैं कि भाई ये एलिमेंट अगर लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा है तो लीनियर स्पैन का मेंबर है ये, किसके लीनियर स्पैन का, एल के, ए एस के, यानी कि ये जो अल्फा मेंबर लिया है ये एल एस का एक मेंबर है। तो अगर ये लीनियर स्पैन ऑफ एस में जा रहा है तो इसका मतलब ये जितने भी वेक्टर्स यहां पर हैं अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अप टू अल्फा एन जितने भी हैं ये सब एस के एलिमेंट हैं, और a1, a2, a3 जितने भी ये सब फील्ड के मेंबर्स हैं, स्केलर्स हैं ये सब। तो भैया अगर ये सब मेंबर s के हैं और s जो है सबसेट है t का, तो इसका मतलब ये सारे के सारे मेंबर किसके हैं, t के। ये इंप्लाई कर रहा है कि अब लिख देते हैं यहां पे कि सिंस s इज अ सबसेट ऑफ t, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 टू अल्फा n बिलोंग्स टू t, यानी कि अब अल्फा जो है ये टी के मेंबर्स का भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, तो यानी कि ये कहां जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ टी में भी जाएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ टी, मेंबर किसका था, इसका, चला किसमें गया, इसमें, तो इसका मतलब ये पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट हो गया। इतनी सेट थ्योरी तो हमने कक्षा 11 में पढ़ी हुई है, तो ये इंप्लाई करेगा एल एस इज द सबसेट ऑफ एल टी, मुफ्त के पांच नंबर है अगर थ्योरम आ गई है तो। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं,
इसमें तो तभी कुछ डाउट होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी थ्योरम है ये और काफी हल्की भी है। सेकंड प्रॉपर्टी में ये प्रूव करना है कि लीनियर स्पैन ऑफ एल एस इज इक्वल्स टू एल एस। तो अभी पहली जो थ्योरम हमने देखी वहां देखा कि अगर कोई सेट एस है तो वो अपने लीनियर स्पैन का सबसेट होता है। तो अब एल एस भी तो एक सेट है तो ये भी अपने लीनियर स्पैन का सबसेट होगा, इक्वेशन वन। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक मेंबर लेते हैं इसका, अल्फा इज अ मेंबर ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ। तो इसका मतलब अब ये भाई लीनियर स्पैन में है किसके, एल एस के। तो इसका मतलब ये एल एस के ही मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं इसको ए वन बीटा वन प्लस ए टू बीटा टू प्लस ए एन बीटा एन। ठीक, या फिर शॉर्ट में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई बराबर वन टू एन ए आई बीटा आई। इससे दो फायदे हैं, जगह भी बचेगी, इंक भी बचेगी, और चेक करने वाला नोटबुक जो आपकी चेक करेगा उसे भी लगेगा कि हाँ भाई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है थोड़ा सा। अब वेयर बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अप टू बीटा एन बिलोंग करेगा कहां, लीनियर स्पैन ऑफ एस में। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब ये एल एस, अब एल एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो अपने आप में ही एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा एन ये जो भी है ये सब एस के कुछ एलिमेंट्स होंगे, अल्फा वन अल्फा टू गामा वन गामा टू कुछ भी एलिमेंट्स होंगे उन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि बीटा वन जो है वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा, सपोज कर लो ए वन वन अल्फा वन प्लस ए वन टू अल्फा टू प्लस अप टू ए वन एन अल्फा एम, इस तरीके से, वेयर अल्फा ही बिलोंग्स टू एस। इस तरीके से जो बीटा टू बनेगा वो सपोज कर लीजिए आपका बन गया ए टू वन गामा वन ले लेते हैं प्लस ए टू टू गामा टू प्लस ए टू एम हो गया, एन हो गया, पी ले लो गामा पी, ये कुछ फाइनाइट मेंबर्स हो गए जहां पे सारे गामा ही कहां बिलोंग कर रहे हैं एस में। तो इसी तरीके से सारे बीटा तक आप एस के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर इन सारी वैल्यूज को जितनी भी वैल्यू आएंगी उठा के आप वापस यहां रख दें अल्फा में, तो बीटा वन बीटा टू बीटा एन की जगह क्या एलिमेंट आ जाएंगे, अल्फा वन अल्फा टू गामा वन गामा टू, इस टाइप से एस के एलिमेंट वापस आ जाएंगे। तो यानी कि अगर ये सारी वैल्यूज उठाकर यहां रख दी जाए अल्फा में, तो अल्फा आपका एक्सप्रेस किया जा सकता है एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, क्योंकि बीटा वन बीटा टू बीटा एन ये खुद लीनियर कॉम्बिनेशन है एस के एलिमेंट्स के। अब उनको हमने उठा के रख दिया वहां पे, तो सारे के सारा अब जो बनेगा उसमें केवल एलिमेंट किसके होंगे, एस के। तो इसका मतलब ये आपका कहां चला जाएगा, एल एस में। और जैसे ये एल एस में गया, अब भाई ये एलिमेंट किसका था, एल ऑफ एल एस का, चला किसमें गया, एल एस में। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया। अब इक्वेशन वन और टू को ध्यान से देखें, तो भाई एल एस सबसेट ऑफ एल ऑफ एल एस एंड एल ऑफ एल एस इज सबसेट ऑफ एल एस। इतनी सेट थ्योरी तो हमें आती है कि हम इन दोनों को बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। तो दिस इंप्लाइज एल एस इज इक्वल टू एल ऑफ एल एस। सिंपल सी थ्योरम है, काफी सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया। अगर आपको सब फुल लैंग्वेज प्रूफ देखना है तो बताइए आप लोगों को, नोट्स आपको कहां से मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की, वेक्टर्स को हम कब कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सपोज कीजिए हमने एक वेक्टर स्पेस लिया Vf और उसके कुछ फाइनाइट वेक्टर्स का एक सेट बनाया है जिसमें वेक्टर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हमने लिए। तो ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हमने लिए ये लीनियरली डिपेंडेंट कब कहलाएंगे, जब हमें फील्ड के कुछ ऐसे स्केलर्स मिले a1 a2 a3 an नॉट ऑल जीरो, यानी कि इन n स्केलर्स में से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए कि उससे जो लीनियर कॉम्बिनेशन बने इन स्केलर्स से ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल हो जाए जीरो के। यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनने के बाद तो जीरो के इक्वल हो रहा है, लेकिन इनमें से कुछ स्केलर्स
ऐसे हैं जो जीरो नहीं है। अब जरूरी कि कुछ ही हो सकता है सारे ऐसे हो जो जीरो ना हो, या फिर हो सकता है केवल एक ऐसा हो जो जीरो ना हो। तो हमें तो केवल एटलीस्ट एक से मतलब है, एक भी हमें मिल गया तो लीनियर डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। इंडिपेंडेंस की बात करें तो यही वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बना है ये जीरो के इक्वल केवल तभी हो जब हर स्केलर जीरो हो। यानी कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये केवल आपको तभी जीरो दे जब ये सारे a1, a2, a3, an ये सब आप जीरो के इक्वल रखें। अगर आप कोई भी एक नॉन जीरो लेते हो तो ये इक्वालिटी यहां से खत्म हो जाएगी, यानी कि ये जीरो के इक्वल नहीं होगा। उस केस में ये जो आपके फाइनाइट आपने जो वेक्टर्स का एक सेट बनाया था अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n, ये कहलाएगा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, कुछ थ्योरम्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो जैसे कि ये पहले एक प्रॉपर्टी है कि vf कोई वेक्टर स्पेस हमने लिया है और अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n उसके कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ये पॉइंट टू रिमेंबर है, नॉन जीरो वेक्टर्स। इस थ्योरम की मेन चीज वही है कि ये सारे वेक्टर नॉन जीरो हैं, तो या तो सब एलआई होंगे यानी कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, या फिर और हमें इन के बीच में एक ऐसा अल्फा के मिलेगा जो कि 2 और n के बीच में कहीं भी हो सकता है, कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो अपने से पहले वाले वेक्टर्स का। यानी कि अल्फा के या तो ये सारे के सारे एलआई होंगे नॉन जीरो वेक्टर्स जो है, या फिर एक हमें अल्फा के ऐसा मिल जाएगा जो कि अपने से पहले अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा के माइनस 1 तक का लीनियर कॉम्बिनेशन हो एक। इस थ्योरम को आइए प्रूव करते हैं इस प्रॉपर्टी को। भाई लेट कर लेते हैं, ये लेट का हमारे पास दो ही केसेस हैं। भाई ये वेक्टर्स अगर हैं नॉन जीरो वेक्टर है vf के, तो या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे या लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इन दोनों के अलावा तो तीसरा केस हमारे पास है नहीं कुछ। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो सारी बात खत्म हो जाती है, थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाती है कि भाई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो हम ये मान के चलते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा, जब तो ये केस एग्जिस्ट करेगा। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो बात ही खत्म, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो भाई ये प्रूव करके दिखाना है हमें। तो लेट कर लेते हैं द वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कि LD कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो यानी कि ये जो आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया बराबर जीरो, तो इसमें सारे के सारे ai जीरो नहीं है, यानी कि a1, a2 अप टू an जितने भी आपके स्केलर्स हैं इनमें से कुछ स्केलर्स नॉन जीरो हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट k बी द लार्जेस्ट इंटीजर such that L4 AK is equals to 0, कि K जो है हमारा वो largest integer है जिसके लिए AK 0 है, AK non-zero है, 0 नहीं non-zero। तो non-zero तो इसका इस word इस line का मतलब क्या है, इस line का मतलब ये है कि भाई K के बाद जो भी आएगा plus 1 plus 2 AN तक जितने भी आएंगे वो सब 0 के equal होंगे, यानि कि K से पहले क्या कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि k वो लार्जेस्ट वैल्यू है जिसके लिए नॉन जीरो है और k के बाद जितने भी हैं वो सब जीरो है। ऑल्सो अब एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, या फिर ये चीज भी है, जाहिर है कि k की जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, क्योंकि अगर आपने कर दिया a2 भी जीरो कर दिया, a3 भी जीरो कर दिया, a4 भी जीरो कर दिया, तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन में केवल क्या बचा, a1 अल्फा n1 बराबर 0। अब अल्फा 1 तो 0 के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब a1 0 के इक्वल होगा। अब ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने क्या माना है कि भाई LD है तो सारे के सारे ai 0 नहीं है, या हमने कह दिया कि भाई 2 से लेकर n तक के जितने भी हो सब 0 है, और अगर ऐसी कंडीशन लेते तो a1 भी 0 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू मिनिमम 2 होनी पड़ेगी, 2 या 2 से ऊपर ही होगा k हमेशा, उससे नीचे नहीं हो सकता। तो इस चीज को भी हमने प्रूव करवा दिया। अब बस ये देखना है कि ये प्रीसीडिंग मंथ्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है या नहीं बनता। बहुत सरल बात है ये भी, देखो। तो भाई अगर ये एलडी है और ये केवल एके तक के जो स्केलर्स हैं वो नॉन जीरो हैं, उसके बाद वाले सारे जीरो हैं, तो इसका मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन हमने शुरू में बनाया था वो अब छोटा हो जाएगा, कहां तक,
केवल के तक, क्योंकि इसके बाद तो हमें पता है सब कुछ जीरो ही होना है। तो मुझे ये प्रूव करना है कि भाई ये जो अल्फा के है ये अपने से पहले वालों का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो आप क्या करो, इसको यहीं रखो ए के अल्फा के को और इन सबको उधर भेज दो, माइनस ए के माइनस वन अल्फा के माइनस। अब ए के इनवर्स से पूरे के इनटू करवा दो, ए के इनवर्स से पूरे के इनटू करवा दो दोनों तरफ, तो ये हो गया ए के इनवर्स माइनस ए वन अल्फा वन प्लस ए के इनवर्स माइनस ए टू अल्फा टू एंड ए के इनवर्स ए के माइनस वन अल्फा के माइनस वन। तो भाई ए के इनवर्स और ए के मिलके क्या बन गया, यूनिट एलिमेंट ऑफ फील्ड वन। तो यानी कि ये क्या हो गया, अल्फा के इज इक्वल्स टू माइनस ए के इनवर्स ए वन अल्फा वन प्लस ए के इनवर्स माइनस साइन आगे ले आते हैं ए के इनवर्स ए टू अल्फा टू प्लस अप टू माइनस ए के माइनस वन ए के इनवर्स अल्फा के माइनस वन। अब देखो ए के इनवर्स भी फील्ड का एलिमेंट और ए वन ए टू ए थ्री ए एन आपके जितने भी ये सब भी फील्ड के एलिमेंट। तो यानी कि ये जो स्केलर यहां पे आपको जो कोफिशिएंट मिलेगा ये भी फील्ड का कोई एलिमेंट होगा। तो इसको मान लेते हैं, सपोज करो कैपिटल ए वन मान लेते हैं, कैपिटल ए वन अल्फा वन प्लस कैपिटल ए टू अल्फा टू प्लस अप टू कैपिटल ए के माइनस वन अल्फा के माइनस वन। और ये हमें प्रूव करना था कि भाई ये जो अल्फा के है ये अपने से पहले वाले जितने भी इसके प्रीसीडिंग वंस हैं उन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो आज के लेक्चर में हमने लीनियरली डिपेंडेंस देखा, वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर स्पैन, लीनियर कॉम्बिनेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने देखी। तो आज के लेक्चर में हम इतने रखते हैं, अगले लेक्चर में हम इसकी कुछ और ज्यादा प्रॉपर्टीज और कुछ और ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे। और इस लेक्चर के नोट्स भी आप मुझसे ऐसे ले सकते हैं जैसे आपको मैंने पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट करो, आपको फुल डिस्क्रिप्शन नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।